जहां जरूरत हो वहां सिस्टम लापता हो, और जहां सिस्टम का पता हो तो वहां कानून लापता हो। आप ऐसा हिंदुस्तान तो हरगिज नहीं चाहेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ काविंद्र चौहान और आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया का खास प्रोग्राम आवाज। आज बात देश की नहीं, राज्य की नहीं, बल्कि एक जिले की करेंगे। एक जिले के प्रशासन के रवैये से समझने की कोशिश करेंगे कि इस तंत्र में कितना गणतंत्र है, जहां न्यूनतम संस्कार का भी अंतिम संस्कार होना आम बात हो चुकी हो। आज हम कुछ मिनटों में उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले का वो हाल दिखाएंगे जिसे देखकर शायद आपके मन में भी एक ही ख्याल आएगा कि ये लोग वर्दी उतार कर फेंक दें तो बेहतर, या ऐसी व्यवस्था ही खत्म कर दें तो बेहतर। ये सुरक्षा देने के नाम पर, कानून व्यवस्था बनाए रखने के नाम पर जो करते हैं वो हमें असुरक्षित महसूस कराता है। जिस सूबे में कोरोना काल के दौरान इसी तंत्र ने दिन रात एक कर हम सबकी जिंदगियों के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी, उसी सूबे के एक जिले में कभी दिवाली पर पटाखे बेच रहे व्यक्ति को पुलिस उसी की रोती बिलखती बेटी के सामने उठा ले जाती है, तो फिर वहीं बाद में मुख्यमंत्री की फटकार के बाद मिठाई खिलाती जाती है, किसी को सिर्फ जूता बेचने के चलते हिरासत में ले लेती है और बाद में गर्व से ट्विटर पर बताती है कि इन धाराओं में कार्रवाई भी हुई है। काश कोई ऐसा होता जो उस पुलिस को ये समझा सकता कि सामाजिक बेइज्जती नाम की भी कोई चीज़ होती है। थप्पड़ मार देना, दो दिन में थाने में बंद रखना, फिर छोड़ देना, इस मानसिक प्रताड़ना की भरपाई आखिर कौन करेगा? चलिए आपको एक खबर बताता चलता हूँ। बुलंदशहर में जाति के नाम पर कार्रवाई का एक अजीब उदाहरण देखने को मिला है। ठाकुर ब्रांड के जूते बेचने पर पुलिस ने नासिर नाम के एक युवक को उठा लिया, दो दिन बंद रखा, फजीहत हुई और छोड़ दिया। भाई जब कल डानेगर वहाँ के लड़का है तो ये हटा दे, जब हटा देने हैं जो हटा देने चाहिए है तो हटा देने, जब हटा देने हैं क्यों ना हटाए देने। फिर तू जाति बना ले वीडियो, तू ये चल मेरे साथ जान ला रहा हूं खराब कर रहा है, ज्यादा से इसके रखे हैं जूते, तू के अपने दुकानदारी खराब कर रहा है। फिर बना रहे हम कोई थोड़ा ही जूते को तो लेके क्यों आया बजरंग दल के नेता इस पर अपनी पीठ थपथपाते हैं, कहते हैं कि उनकी पहल पर गिरफ्तारी हुई है। मेरा नाम विशाल चौहान, बजरंग दल में नगर संयोजक के पद पर जिम्मेदारी है मेरे को संगठन द्वारा दी गई है। सूचना मिली कि एक जाति विषय जाति सूचक शब्द के साथ जूते पर प्रयोग किया जा रहा है, जिसके जूते के तलवे में ठाकुर लिखा हुआ था, ठाकुर जाति का प्रयोग किया जा रहा है। हम जाति अपनी विशेष पर नहीं जाते, हिंदू हैं तो कोई भी जाति हो, उसके उपलक्ष्य में हमें सूचना मिली, हम तुरंत दुकान पर पहुँचे अपने सभी साथियों के साथ। मैं खुद दुकान पर पहुंचा और दुकान पर जूते देखने के बाद जूते ना मिलने के कारण उससे मांगा गया तो जूता उसने डिमांड पर दिया गया, वो एक किसी पड़यंत्र के तहत रचा जा रहा है, डिमांड पर जूते बेचे जा रहे हैं और उससे हमने मांगने के बावजूद डिमांड पर जूते दिए उनने। वहीं नासिर के घर गिरफ्तारी की खबर सुनते ही कोहराम मचा रहा। तस्वीरें लगातार आपको स्क्रीन पर दिख रही होंगी, उस कोहराम की, उस प्रताड़ना की, जो आपको बताती हैं सच, जो आपको दिखाती हैं सच कि आखिर सिस्टम के पीछे जो कुछ है वो हाल बयां क्या है। जो शख्स तख्त पर जूते की दुकान लगाकर अपना पेट पालता हो उस पर इतनी भारी भरकम दफाएं लगाई जाती हैं जिसे वो एक बार में सही सही बोल भी ना पाता हो। बहरहाल, दो दिन हिरासत में रखने के बाद पुलिस को ध्यान आता है कि नासिर तो बस जूते बेच रहा था, उसे बना तो कोई और ही रहा था। नाम आया आगरा की ठाकुर शू कंपनी का, सोशल मीडिया पर तमाम बातें की गई, सोशल मीडिया पर ठाकुर शू कंपनी को विलेन बना दिया गया, लेकिन जैसा नासिर के साथ हो रहा था वैसा ही ठाकुर फुटवेयर कंपनी के साथ भी, क्योंकि ठाकुर फुटवेयर कंपनी ऐसे जूते बनाती ही नहीं, उनका ब्रांड नेम TFC है जो जूतों के तलवों से लेकर जूते के साइज को तय करती है और जूते पर इसी TFC के नाम का ब्रांड लगाती है। इस पर हमारे साथ बुलंदशहर से लोकेश जुड़ गए हैं। जी लोकेश, आप तमाम जानकारियां दीजिए कि बुलंदशहर में आखिर हुआ क्या और क्या क्या पूरी घटना रही। जी लोकेश, मामला बुलंदशहर के थाना गुलाबी क्षेत्र से सामने आया है, जहां पर एक दुकानदार के द्वारा बेचे जा रहे जूतों पर ठाकुर जैसे जाति सूचक शब्द का लिखा होना पाया गया है। साथ ही जब इस पूरे मामले की स्थानीय लोगों को पता चली तो उन्होंने इसका जमकर विरोध किया। लोकेश, ये रवैया जो है पुलिस का
इस पर क्या ही कहा जाए वो कम होता है। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया लोकेश, खबर दुर्भाग्यपूर्ण थी लेकिन आपने जानकारी दी, उसके लिए आपका शुक्रिया। एक और खबर बता दूं, बुलंदशहर की ही, जहां जाति सूचक जूता बेचने पर लाइटनिंग स्पीड से भी तेजी से कार्रवाई होती है, वहां बीते साल अगस्त में अमेरिका में पढ़ रही एक बेटी घर आती है, अपने चाचा के साथ बाइक से बाजार जा रही थी। अगले हफ्ते उसे अमेरिका वापस लौटना था लेकिन उससे पहले ही सड़क पर बदमाशों ने उसके साथ छेड़खानी की, जिसके चलते हादसा हुआ और होरहां बेटी सुदीक्षा की जान चली गई। अब सवाल बनता है कि सुदीक्षा की मौत का जिम्मेदार आखिर कौन है? बदमाश तो है ही, रटी रटाई स्क्रिप्ट है, पुलिस जो बोलती है वो बोलती ही है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, प्रेस विज्ञप्ति जारी की जाती हैं, वो सब है, वो तमाम चीज़ें हैं, लेकिन ये प्रशासन भी उतना ही जिम्मेदार माना जाएगा जो ऐसी घटनाओं पर ना तो लगाम लगा पाता है ना ही लगाम लगाने की भरपूर कोशिश भी करता है। तमाम बातें हैं, तमाम खबरें हैं। चलो एक और खबर और बता देता हूँ, एक और मामला दिखाता हूँ आपको, जहाँ पुलिस की तत्परता देख आप दंग रह जाएंगे। पुलिस का इतना बड़ा एक्शन मोड आपने देखा नहीं होगा। दिवाली त्यौहार का वक्त था, पटाखे लगाने पर बैन था, ऐसे में एक व्यक्ति पटाखे बेचता पुलिस को दिख गया। पुलिस ने जीप निकाली, मौके पर पहुंच अपनी काबिलियत की ऐसी मिसाल पेश कर दी जिसका संज्ञान खुद सूबे के मुख्यमंत्री को लेना पड़ गया। किरकिरी हुई सो अलग, पहले ये तस्वीरें आप देखिए। बच्ची रोती रही और बहादुर पुलिस सबसे बड़े क्राइम सीन पर अपनी बहादुरी का परिचय देती नहीं थकी। ऐसी तस्वीरें बहुत हैं। बुलंदशहर में प्रशासन का ऐसा रवैया रवायत बन चुका है जिस पर लगाम लगाने के लिए एक क्षमा जलाना जरूरी था। हमने अपने हिस्से का काम किया, आगे का काम आपको करना है। सबको अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होना जरूरी है। यहाँ जनता जनार्दन है, सबको अपनी बराबरी का हक है, सबको अपने हक का एहसास होना चाहिए। धन्यवाद।